अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। और आज का खाना में बहुत ज़बरदस्त सा चिकन हरीसा बनाने जा रहे हैं। एक बेसिक चिकन हरीसा की तरकीब आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो फिर अरबी हरीस हो, हैदराबादी हरीसा हो, कश्मीरी हरीसा हो, मगर ये हरीसा जो आज हम बनाएंगे चिकन हरीसा, वो ऑल टाइम फेवरेट है। आ जाए चल के बनाते हैं। चले जी आ गए हैं और बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा हरीसा बना रहे हैं, चिकन हरीसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। यहाँ दो तीन स्टेप में ऑयल जाएगा, ऊपर तड़का भी लगेगा, तो थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे एक प्यारी ऑयल लेंगे और बनाएंगे हरीस के लिए, हरीसा के लिए। और वो बहुत सारी तरह के हरीसे आते हैं, हैदराबादी हरीसा है, अरबी हरीस है, कश्मीरी हरीसा है। ये हरीसा जो है एक मॉडरेट फॉर्म है, जहाँ मेमन कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी भी इसे इसी तरीके से बनाती है, जहाँ पे बोटियाँ साबुत रखी जाती हैं। और अगर चाहे तो पीस भी लें, तो मैं क्या करूँगा कि मैं साबुत ही रखूँगा ताकि बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, वरना हरीसे का कलर या हरीस का कलर ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे सौते करेंगे, हल्का सा ये नरम होगी। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, यहाँ इसी स्टेप पर पानी भी शामिल कर दूँगा ताकि प्याज जो है उसका कलर ख़राब ना हो। चलिए ये मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी शामिल किया, और यहाँ पे जब पानी ड्राई होने तक जो प्याज को ज़रूरत होगी ना, उतना ही हमें प्याज चाहिए। इसका पानी सूखने का इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन आप जो है वो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक केजी आधा किलो गंदम के लिए चिकन ली है। आप इसका जो है वो बोन वाली भी ले सकते हैं। मुझे बेसिकली मटन का ही अच्छा लगता है हरीसा, मगर मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि कुछ चिकन की आइटमें बताएं। आजकल जो है वो दौर फार्मी हो गया है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है चिकन। यहाँ चिकन को इसके साथ जो है वो थोड़ा सा सौते करने के बाद, सबसे पहले एक स्टेप पे, और ये बहुत आसान रेसिपी है, यहाँ एक टेबल स्पून अदरक लहसुन ले लिया और अब इसकी भुनाई करेंगे। चिकन ने थोड़ा सा कलर चेंज किया क्योंकि मुझे इसकी भुनाई मज़ीद भी करनी है। यहाँ शामिल कर देंगे एक टेबल स्पून एक किलो चिकन के लिए नमक, और बाकी हमने गंदम उबालने में नमक शामिल कर दिया था। यहाँ पे जो है वो हरी मिर्च, तीन टेबल स्पून हरी मिर्च ले लें। वैसे तो अरबी हरीस वगैरह में और बिल्कुल फीका होता है, हरी मिर्च नहीं खाई जाती, मगर चूँकि ये हम बना रहे हैं कुछ गुजराती टाइप और मेमन टाइप, तो उसमें हरी मिर्चों का और हरी मिर्च जो है वो बहुत अच्छा एक जायका भी दे देती है गंदम को ख़ास तौर पर। यहाँ पे इसकी भुनाई साथ में शामिल कर देंगे कुटी काली मिर्च, कुटी काली मिर्च भी एक टीस्पून ले लिया था। यहाँ पे इसकी भुनाई करते हैं, और जो चूँकि हमें इसके कलर को रिटेन करना है, कलर एंड तक बचाना है हरीसे का, तो कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करेंगे जो इसका कलर ख़राब करेगी। यहाँ इसकी भुनाई करते हैं। अच्छा, अब जो चिकन ने पानी रिलीज़ किया था उसी में मसाला गल गया। मैंने सिर्फ एक प्याज इसलिए ली थी कि हम इसके ऊपर ब्राउन प्याज छिड़क के भी बहुत से लोग खाते हैं, तो अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास है एक टीस्पून पिसा गरम मसाला, बहुत एहतियात से, और पिसा गरम मसाले का आई कार्ड भी चल रहा होगा, आई कार्ड से जो है वो आप देख लें वीडियो, आपको बहुत अच्छा एक गरम मसाला मिलेगा। यहाँ इसको थोड़ा सा चलाया और इसमें शामिल कर देंगे वाफिर मकदार में पानी, क्योंकि जब इसमें हम गंदम शामिल करेंगे तो गंदम भी फौरन जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और हमें यहाँ पे चिकन की थोड़ी सी यखनी भी चाहिए, तो पानी जो है वो इतना शामिल करें कि ये चिकन अच्छी तरह पक के नरम हो जाए, और इतनी नरम हो जाए कि जब हरीसा आप खा रहे हो तो चम्मच मारते ही आपकी बूटी जो है टूट जाए। अगर घुटना है यानी कि इसको पीसना है तो आप पीस भी लें। यहाँ पानी गया, तकरीबन एक जग पानी गया है, क्योंकि गंदम में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पानी जो है यखनी वाला पानी मिले तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने आधा किलो हलीम के गंदम आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ इसमें एक टेबल स्पून ज़ीरा, दो टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल और नमक शामिल किया था, और इसको अब क्या करेंगे, इस तरह के हैंड बीटर से पीस लेंगे, पीस के आपको जो है दिखाएंगे जब डालते हुए, तो जो है वो इसका प्रोसीजर बाद में करते हैं। अभी इसको ढक्कन लगाते हैं और अच्छी तरह गला लेते हैं। आपने देखा कि मैंने एक जग पानी शामिल किया था, आधा घंटा इसको बहुत सुकून से आपने पकाना है ताकि आपकी बूटी का रेशा रेशा अलग हो जाए, और आपने इसको अगर घूटना है तो स्टेज पे घूटने। जितना यहाँ पे मुझे पानी नज़र आ रहा है, ये पानी मुझे चाहिए,
ये दरअसल चिकन की यखनी है जो इसमें जाके पकेगी हमारे गंदम के साथ। मैंने आपको जो दिखाया था, हमने गंदम उबाल लिए थे, इसको पीसा आपके सामने है, यानी कि आपको दिखा के पीसा है। इसमें एक टेबल स्पून जीरा, एक टेबल स्पून नमक और दो टेबल स्पून मेरे पास जो है वो तेल था, ये मैंने इसको पीस लिया था। यहाँ चिकन आपको नजर आ रही है। अब क्या करेंगे कि बहुत आराम आराम से शामिल करते जाएंगे अपना दलिया, यानी कि जो हमने पीसा है गंदम का। और ये इतना तेल देने का मकसद था कि लेसदार हो जाए, बहुत जल्दी गल जाए। यहाँ अब क्या होगा कि इसको मिला के हमने आधे पौने घंटे के लिए सुकून से इसे दम देना है, ताकि बहुत ही जो है रचीला और बहुत ही मजे का जो हमारा हरीसा चिकन हरीसा तैयार हो जाए। हमारा दलिया शामिल हो गया। अब क्या करना है कि चूंकि ये फौरन गाढ़ा होगा, हमने क्या करना है कि पानी अब भी चाहिए मुझे। ये तो चिकन की यखनी जो मुझे शामिल करनी थी, जिस बोल के अंदर हमने इसको किया था, अच्छी तरह से क्लीन करें अपने बोल, अपने ब्लेंडर, जूसर, सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया करें, ताकि जो है हम कम से कम अनाज की बेहरमती ना करें। यहाँ पानी और मजीद भी मुझे जो है वो थोड़ा सा पानी चाहिए, मगर ये काफी हो जाएगा। यहाँ इसे मैं कम से कम 2 मिनट के लिए मिक्स करूंगा, ये इतने आराम से मिक्स नहीं होता। यहाँ हमने इसको चलाना है जैसे हलीम का गोटा लगाते हैं, इस तरह गोटा लगाना है। पहले तो इसको बहुत अच्छी तरह से चिकन में मिलाना है। इतना गाढ़ा जब है तो इतना गाढ़ा मुझे नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होगा मजीद पकने के बाद। थोड़ा सा पानी जो इस बोल में हमने अपना दलिया पीसा था, यहाँ गंदम पीसे थे, ये इसको मजीद चला के अब क्या करना है, कम अज कम आधे घंटे के लिए, अगर इसको बहुत लेसदार हरीसा बनाना है और बहुत अच्छा यूथेंटिक हरीसा बनाना है, तो आपने हलीम की तरह इसको चढ़ा देना है, भूल जाना है। और मैं भी यही करूंगा, आप भी बकिया काम कर लें, जितने काम करने हैं इसको ढक्कन लगाएं। चलिए कम अज कम जो है 40 मिनट के लिए इसे पकाया, ये देखें बिल्कुल दम पे, और इसको चलाते रहना है। गंदम है नीचे बैठेगा, और अगर जल गया तो फिर वो थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। ये देखें गोश्त भी रेशे अलग होने लगे हैं। अब क्या करेंगे, एंड में बस इसको एक तड़का लगाना है अच्छा सा, और अगर देसी घी का तड़का लगाएं तो क्या ही बात है, बूटियां देखें पूरी अलग हो रही हैं। बस इसको थोड़ा सा अब चम्मच चला के जो है पकाना है, 2 मिनट के लिए ये काम करना है, ताकि बहुत अच्छी तरह से जो गंदम ऊपर नीचे रह गया है वो मिक्स हो जाए। देखिए ये टिप थी, बहुत से लोग यही करते हैं, फिर ऊपर पतला और नीचे गाढ़ा वाला शोरबा या जो हरीसा है वो रह जाता है। अब इस पे बहुत अच्छा सा एक तड़का लगाएंगे। यहाँ देसी घी ले लिया था, 4 टेबल स्पून से ज्यादा लिए, इसको यहाँ पे एक तड़का, चलिए हमारा काम ये खत्म हो गया। इसको अब क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे, और इसको ढक्कन लगा के जो देसी घी इसमें शामिल किया था उसकी खुशबू शामिल करेंगे। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के आपने जो है बंद करके चूल्हे को रख देना है, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये गाढ़ा होगा ही तो ही मजा देगा। और 6 बजने वाले हैं, शो का टाइम शुरू हो गया, तो मेरा ख्याल है आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आ जाए प्रेजेंटेशन टेबल पे। हमने बना लिया चिकन हरीसा, और आपने देखा, अब आपको कैसा लगा आप बताएंगे मुझे। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, बेल का आइकन प्रेस करना होगा, ताकि मेरे आने वाले तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। चलिए गुड बाय कर रहे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट को, सफर दमाम का है, और दमाम से पहले एक बहुत ही खूबसूरत शहर है सऊदीया का खुबर। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.